हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पे दो वेबसाइट हैं जिसमें आप कंटिन्यू नज़र बना के देख सकते हैं कि ये विदेश दुनिया में क्या हो रहा है। एक तो पूरी वर्ल्ड के लिए है पहला, और दूसरा है हमारे इंडिया के लिए। तो वर्ल्ड के लिए है worldometer.info साइट है। इसमें जाके पूरे वर्ल्ड में कोरोना के करंट केसेस देख सकते हैं, वायरस की कितनी डेथ हुई है, कितने रिकवर हुए हैं। उसमें सारा स्टैटिस्टिक्स आपको भी मिल जाएगा, कितने एक्टिव केस हैं, कितने क्लोज केस हैं। साथ में उससे रिलेटेड आपको केस का जो ग्राफ है, लीनियर और लॉगरिथमिक दोनों स्केल में आपको वो ग्राफ देखने को मिल जाएंगे। साथ में टोटल डेथ भी है, उस केस भी आपको मिल जाएगा लॉगरिथमिक स्केल में, लीनियर स्केल में। उसके अलावा आपको चाहिए तो इसमें अलग अलग देशों का जो डेटा है, ये देखिए यहाँ पे आपको सारे देश की रिपोर्ट मिल जाएंगे। एक समय था जब यूएसए चाइना से पीछे था, चाइना सबसे आगे था। आज के समय देखिए चाइना स्थिर हो गया है, इटली और यूएसए बहुत आगे हैं। और डेथ का तो देखिए, कम से कम इटली तो 9,000 पार कर गया है, आने वाले समय में 10,000 चला जाएगा। यूएसए भी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, चाइना तो रुक गया है। ये तो ऐसा लग रहा है चाइना गलत आंकड़े बता रहा है। एक समय यहाँ 2,400 थे आंकड़े, अब 2,200 3,200 दिखा रहे हैं इसमें आंकड़े। स्पेन भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, यूके, स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, तुर्की, कनाडा, पुर्तगाल, नॉर्वे, ब्राज़ील, ये देखिए ये सब देश के हाल हैं। यहाँ पर टोटल से दिखा रहे कितने रिकवर, कितने एक्टिव केस हैं, कितने सीएस क्रिटिकल हैं, और टॉप केसेस पर मिलियन पीपल के हिसाब से कितने सारे लोग हैं। साथ में है टॉप डेथ पर 1 मिलियन पीपल के हिसाब से किसका कितना रेशियो है। तो यहाँ पे दूसरे और चौथे नंबर में तो बहुत ज़्यादा टॉप में है, दूसरे नंबर पर इटली और चौथे नंबर पर स्पेन। ये दो ऐसे कंट्री हैं अभी वर्ल्ड के जहाँ डेथ रेशियो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आप कोरोना वायरस का अपडेट तेज़ी से दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान भी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, अब तक वहाँ भी 10 मौतें हो सकी हो चुकी है। हमारा इंडिया भी आसपास सही है, हमारा इंडिया 887 कोरोना वायरस संदिग्धों के साथ, यहाँ 20 मरीजों की मौत हो चुकी है और करंट केस में 160 नए ऐड हुए हैं। इसमें भी नए नए ऐड होते जाएंगे। तो साथ में अगर हम टोटल देखेंगे तो टोटल वर्ल्ड में 5,90,290 एक्टिव केस हैं, जिसमें 58,000 नए केस हैं और 26,947 मौतें हो चुकी है। तो इस तरीके से हम सारा देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स, कहाँ से क्या क्या मिला है हमें, तो उसकी सारी डिटेल और विस्तृत जानकारी दी गई है। तो इस साइट से आप सारा चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है, कौन सी घटना है कोरोना वायरस के लिए वर्ल्ड के लिए। तो ये हो गया हमारा कोरोना वायरस का संबंधित। अब हम सेकंड चलते हैं हमारा देश के लिए। हमारे देश के लिए एक बार जारी किया गया COVID-19India.org, ये देखिए COVID-19 ट्रैकर। इस ऐप की मदद से हमारे देश में जितने स्टेट हैं, सारे स्टेट की जो जितनी कंडीशन है उसको देख सकते हैं। इंडिया मैप है, इसमें कहाँ कहाँ कंफर्म केस हैं, 176 कंफर्म है, 100 एक्टिव केस हैं। तो जितने सारे केस हैं उससे पूरा दिखाएगा यहाँ पे। ये देखिए इसमें 886 केस कंफर्म हैं, 791 एक्टिव केस हैं, 76 रिकवर हो चुके हैं, 19 कंफर्म डेथ हो चुके हैं। ये ऐप हर 4 घंटे में अपडेट होता है। तो इन दो ऐप में आप कंटिन्यू नजर रख के देश भर में, देश दुनिया में कोरोना का अपडेट देख सकते हैं, कितने लोग की डेथ हुई है, कितने जिंदा हैं, कितने बचे हैं। तो बेहतर है दोस्तों आप सब लोग अपने घर में ध्यान रखिए और घर में ही बंद रहिए, घर में आनंद लीजिए, घर से बाहर ना निकलिए। आप सुरक्षित रहे तो देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।